जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिफेंस वॉरियर में। पिछले लेक्चर में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कवर किया था। आज के इस लेक्चर में हम रूट वर्ड्स कवर करेंगे। यह बैच जो कि एनडीए फर्स्ट 2024 को टारगेट करके चलाया जा रहा है, यह हमारा 5th लेक्चर है। रूट वर्ड्स स्टार्ट करने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जो रूट वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें सिर्फ एक वर्ड के बारे में पता हो तो हम उससे बहुत सारे वर्ड सीख सकते हैं। जैसे कि वर्ड लवर हु इज़ स्कॉलर ऑफ लैंग्वेज, तो इसमें एक रूट वर्ड है फील। फील का मतलब होता है लव। जहाँ पर भी फील आए तो मतलब कि लव। तो फिलोसोफी यानी कि विजडम, और फिलाडेल्फिया यानी कि प्लेस, जो प्लेस से जिसे लव हो उसे फिलाडेल्फिया बोलते हैं। उसके बाद बिब्लियोफिल, तो बिब्लियोफिल मतलब यानी कि लवर ऑफ बुक्स। और ऑप्शन नंबर डी है फिलोलॉजिस्ट, जो कि लॉजी, लोगो, लोगो मतलब वर्ड या लैंग्वेज। तो उसमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर, वर्ड लवर हु इज़ स्कॉलर ऑफ लैंग्वेज, जो स्कॉलर ऑफ लैंग्वेज का वर्ड लवर होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, फिलोलॉजिस्ट कहते हैं उसे हम। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 32, समवन हु डेलिब्रेटली क्रोजिंग हार्म टू समवन, तो इसमें भी एक रूट वर्ड है मेल। मेल यानी कि बेड। जहाँ पर भी मेल शब्द होगा तो उसका मतलब बेड होता है। जैसे मेलफिसेंट हु थिंक्स वांट्स बेड फॉर अदर्स, जो दूसरों के बारे में हमेशा गलत सोचता है उसे हम मेलफिसेंट्स कहते हैं। उसके बाद मेल फंक्शन यानी कि मेल का रूट वर्ड है बेड। उसके बाद मेलिस, जो एनवी या जेलिस, जीलस या फिर हेट्रेड, जिसके अंदर जलन बनती हो उसे हम मेलिस कहते हैं। और डी है मेल्ट्रीट, जो किसी के साथ गलत ट्रीट करे उसे हम मेल्ट्रीट कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर, समवन हु डिलिबरेटली ट्राई कॉजिंग हार्म टू समवन, जो सभी दूसरों को हार्म पहुंचाए उसे हम क्या कहते हैं, तो मेल फिशेंट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ तो हु फियर्स पब्लिक स्पीकिंग, जो पब्लिक स्पीकिंग में बोलने से डरता है उसे हम क्या कहते हैं, तो क्लेस्ट्रोफोबिया। अभी अब इसमें भी एक नया वर्ड आता है फोबिया। फोबिया का रूट वर्ड होता है फोबिया मीन्स फियर। जहाँ पर भी डर की बात हो तो वहाँ पर फोबिया का यूज़ होता है। फर्स्ट है क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया होता है क्लोज्ड प्लेसेस, यानी कि जिसे बंद जगहों से डर लगता है उसे हम क्लेस्ट्रोफोबिया कहते हैं। उसके बाद डेमोफोबिया, तो डेमो यानी कि क्राउड, क्राउड यानी कि भीड़, और फोबिया तो डेमो मतलब क्या होता है पीपल यानी कि लोग, और लोगों की भीड़ से जिसे डर लगता है उसे हम डेमोफोबिया कहते हैं। उसके बाद पायरोफोबिया, तो पायरोफोबिया यानी कि फायर, जिसे फियर ऑफ फायर जिसे आग से डर लगता है उसे हम बोलते हैं पायरोफोबिया। उसके बाद ग्लोसोफोबिया, तो इसमें पूछा था जिसे पब्लिक स्पीकिंग मतलब पब्लिक स्पीकिंग में बोलने से डर लगे उसे हम क्लेसोफोबिया कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, अ पर्सन हु बिलीव इन ऑल गॉड अक्रॉस ऑल रिलीजन, जो सभी, एक ऐसा पर्सन जो सभी गॉड और सभी रिलीजन में विश्वास रखे उसे हम क्या कहते हैं। तो जो थीस्ट, थीस्ट वह होता है जो किसी पर भी विश्वास ना करे, मतलब जो विश्वास करे। और मोनोथिस्ट वह होता है जो सिर्फ वन गॉड यानी कि एक ही भगवान पर विश्वास करे। और पेंथिस्ट वह होता है जो सभी
भगवान पर विश्वास करे और हर रिलीजन को माने। और एथिस्ट वो होता है जो जिसे हम नास्तिक कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, समवन हु डज नॉट फॉर अदर पीपल। तो इसमें हम जानेंगे बेन समवन हु डज नॉट गुड फॉर अदर पीपल। इसमें हमें ये बताना है जो अच्छा नहीं है अदर पीपल के लिए। तो बेनिफेक्टर यानी कि प्रॉफिट या फिर गुड, बेनिफिशियल होता है उसे हम बेनिफेक्टर कहते हैं। उसके बाद स्टूपिफेक्शन उसे हम बोलते हैं सोक्ड। और आर्टिफेक्ट जो पीस ऑफ आर्ट रहता है उसे हम आर्टिफेक्ट कहते हैं। और मेल फैक्टर जो कि एंटोनियम है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, बेनिफेक्टर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। द किलिंग ऑफ ए चाइल्ड इज, जो अपने खुद के बच्चे को मार देता है उसे हम क्या कहते हैं। तो मेट्रिसाइट, मेट्री और मदर को याद रखने का अच्छा तरीका है कि जो मेट्रिसाइट, मर्डर ऑफ ओन मदर उसे हम मेट्रिसाइट कहते हैं। और पेट्री, पे से पेट्री और पी से पिता, तो इसे भी याद रखने का अच्छा तरीका है। पेट्रिसाइट यानी कि मर्डर हिज फादर ओन। और इसमें पूछा है द किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, जो अपने खुद के चाइल्ड का मर्डर कर दे उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम बोलते हैं इन्फेंटिसाइड, जो कि इन्फेंट का मर्डर करता है। उसके बाद उक्सोरिसाइट, तो उक्सो में एक्स रहता है, एक्स खतरे का निशान होता है जो कि डेंजर। तो सबके लिए डेंजर क्या होती है, वाइफ। तो उक्सोरिसाइट किसे कहते हैं, जिसे जो कि मर्डर ऑफ हिज वाइफ। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद द साइंस दे डील्स विद द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड। तो फिलेंडर हु मेक्स लव अफेयर फॉर फन। एंड्रोजन, एंड्रो, एंड्रो भी एक रूट वर्ड है। तो एंड्रो मीन्स मैन होता है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, जिसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। और जो मिसेंथ्रोप होता है वह मिस यानी कि बेट, जो कि अभी हमने पढ़ा था। हु हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से नफरत करता है उसे हम मिसेंथ्रोप कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 38, नोन फॉर हिज काइंडनेस। तो बाइनोकुलर्स, उसके बाद बिराइन, बिनाइन जो कि प्रॉफिट और गुड और काइंड होता है। और सी बेनिफेक्टर, डी होता है बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट हु वॉज गुड फॉर अदर्स, जो सब में अच्छा हो उसे हम बेनिवोलेंट कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी नाइन। आर्टिकल क्वेश्चन 39, एबल टू स्पीक वंस नेटिव लैंग्वेज एंड अनदर विथ इक्वल फैसिलिटी। तो जो बाइलेटरल, बाइलेटरल यानी कि दो साइड, टू साइड होता है उसे हम बाइलेटरल कहते हैं। बाइलिंगुअल, जो कि दो लैंग्वेज को जानता है उसे हम बाइलिंगुअल कहते हैं। और सी ऑप्शन है बाई पार्टीशन, फॉर बोथ पार्टीज, जो दो पार्टी ज्वाइन करता है उसे हम बाई पार्टीशन बोलते हैं। और बाई एनियल यानी कि जो साल में दो बार होता है एनुअल में, उसे हम बाईएनियल कहते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि वह कौन है जो वन लैंग्वेज और अनदर लैंग्वेज दोनों को जानता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बाइलिंगुअल। इसके साथ फियर ऑफ टाइम, तो यहाँ भी एक नया रूट वर्ड आपको देखने का मिलेगा, क्रोनो। क्रोनो मीन्स होता है टाइम। तो जो क्रोनोग्राफ होता है वह, जिसे कि हम टाइम मापते हैं उसे क्रोनोग्राफ कहते हैं। फिर क्रोनो ग्नोसिस, इससे कोई मतलब नहीं है।
और क्रोनोलॉजी, स्टडी ऑफ टाइम, स्टडी ऑफ टाइम होती है उसे हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। उसके बाद क्रोनोफोबिया, तो फोबिया हमने भी पढ़ा था, फोबिया, फोबिया किसे कहते हैं, फियर को, डर को। तो क्रोनोफोबिया यानी कि फियर ऑफ टाइम, तो इसमें पूछा था फियर ऑफ टाइम, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 41, वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, तो इसमें रिबेलियन, बेलोना यानी कि गॉडेस ऑफ वॉर, तो जो बेल शब्द होता है वह उसका रूट वर्ड होता है वॉर या फिर फाइट, तो रिबेल टू गो अगेंस्ट, बेलो, बेलो यानी कि फाइट, वोट फॉर वॉइस ऑफ अ कैटल और फाइट, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रिबेलियन। क्वेश्चन नंबर 42, फियर और शोइंग रेडीनेस टू फाइट, जो हमेशा रेडी रहे लड़ने के लिए उसे हम क्या कहेंगे, बेलिकोस या बेलिजरेंट। बाइलिंगुअल वही होता है जो दो लैंग्वेज जान लेता है, और बेली यानी कि फाइट या वॉर, केसस बेली यानी कि प्रोटेस्ट ऑफ वॉर, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बेलिकोस या फिर बेलिजरेंट। क्वेश्चन नंबर 43, द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ समवन और समथिंग, तो एंटी, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, यहाँ पर एक नया रूट वर्ड वापस देखने को मिला है, तो जो एंटीथीसिस होता है, एंटी मतलब अपोजिट, और जो एंटीबायोटिक, बायो यानी कि लाइफ, तो अगेंस्ट लाइफ, उसके बाद एंटिसिपेशन, थिंक बिफोर एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, उसके बाद एंटी डिप्रेजेंट, पायस अगेंस्ट डिप्रेशन, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, गवर्नमेंट इन द हैंड ऑफ द फ्यू, बहुत ही कम लोगों के हाथ में गवर्नमेंट हो उसे हम क्या कहेंगे, तो आर्किटेक्ट उसे कहते हैं जो इंजीनियर होता है, और मोनार्क उसे कहते हैं जो गवर्नमेंट किंग के हिसाब से चलती है, जैसे कि ब्रिटेन में, और गेनार्क उसे कहते हैं कि जैसे किंग हेड ऑफ द फैमिली ट्राइब, जो ट्राइबल एरिया में जिनका हेड होता है उसे वह गेनार्क कहते हैं। तो उसमें पूछा गया था गवर्नमेंट बाय इन द हैंड ऑफ द फ्यू, कुछ ही लोगों के हाथ में गवर्नमेंट हो उसे हम कहते हैं ओलिगेयर्की, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड, तो इटिमोलॉजी, आर्कियोलॉजी, स्टडी ऑफ एंशियंट थम्स एंड बिल्डिंग्स, टॉम्स एंड बिल्डिंग्स, और थियोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ गॉड, और बायोलॉजी तो आपको मालूम ही है लाइफ, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इटिमोलॉजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, स्टडी ऑफ हेमो हेवेनली बॉडीज, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, यूनिवर्स, यूनिवर्स की स्टडी को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, और एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी हम इंसेक्ट की स्टडी को कहते हैं, और जेनियोलॉजी, स्टडी ऑफ जीन्स, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्रोनोलॉजी। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में हमने रूट वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।